नमस्कार, आज क्रिसमस का बड़ा दिन है और मैं लद्दाख आने वाले सभी पर्यटकों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। अब की बार शायद सांता क्लाउस खुद को भी तकलीफ़ें उठानी पड़े लद्दाख आते हुए, मगर याद रखिएगा ये सब आपके और आपके निकट आने वाले सभी के स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है, ताकि आप किसी के मौत का कारण न बने। मैं अभी लेह के एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ और यहाँ मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि लद्दाख यूटी के मेडिकल इंतज़ामिया ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है, शायद देश में एक ही जगह हो कि हर एक पैसेंजर का यहाँ पर RT-PCR और वो भी मुफ्त में किया जा रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हाल ही में कोविड के फैलाव को देखते हुए लद्दाख यूटी ने सारे सर्दियों के विंटर टूरिज्म के और फेस्टिवल्स को रोक लगा दी है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर रिएक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि रिलेटिवली इससे भी ज़रूरी काम किए जा सकते हैं कोविड को रोकने के लिए। एक मिसाल लेता हूं, जो यहां पर यात्रियों के RT-PCR हो रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर उनके रिजल्ट्स अगले दिन कोई 5 बजे शाम को मिलता है, जो कि 30 घंटे बाद, यानी कि इस दौरान कोई भी पेशेंट कोविड का बहुत लोगों को फैला चुका होगा। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिनका टेस्ट करते हैं उनका रिजल्ट उसी दिन 6-8 घंटे के भीतर दे दिया जाए, इससे कोविड पर और ज़्यादा कंट्रोल होगा। अब मुझे ये समझ आता है पूछने पर कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लैब्स जहाँ टेस्ट होते हैं वो 4-5 बजे बंद हो जाती हैं, तो जहाँ एक तरफ पूरे टूरिज़्म को और फेस्टिवल्स को बंद कर रहे हैं, वहाँ सबसे आसान कदम होगा कि इन लैब्स का शिफ्ट बढ़ाया जाए और शाम को 8 बजे तक वो काम करें और रिजल्ट्स उसी शाम को दे दें, ताकि फिर वो अगर पॉजिटिव हैं तो उसी तरह का एहतियात बरत सकें। और पैसेंजर्स से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो सारे नियमों का अच्छे से पालन करें, 30 घंटे जब या आगे जाके 8 घंटे हों उस दौरान वो पूरी तरह से आइसोलेशन में रहें, ताकि वो किसी और को फैलाएं नहीं इस बीमारी को और किसी के मौत का कारण न बन जाएं वो।